तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। मैं आपका दोस्त शशिकांत द्विवेदी और फिर आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा घर 1 BHK 300 स्क्वायर फीट में बना रहेगा दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के वीडियोज देखने को आपको मिलते रहें। अच्छा घर है और ये घर है नए गांव ईस्ट में, स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। काफी अच्छा घर होता है, आपको दिख रहा होगा पीछे से, बहुत ही कम प्राइस पे होता है। और दोस्तों यहाँ पे सुविधाओं की अगर बात करें तो रोड, रास्ता वगैरह, पानी, सारी चीज व्यवस्था रहती है। डेवलप एरिया है, घर में डेली यूज का सारा सामान मिलता है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको ये घर अच्छे लगते हैं, आप इन्हें बुक कराना चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले महीने से इसके प्राइस वगैरह जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो केवल जनवरी तक अभी जो पुराने रेट्स हैं वो चलेंगे, फरवरी से सारे प्राइस वगैरह सब महंगे हो जाएंगे। तो एक बार आइए साइट पे, विजिट कीजिए, घर अच्छे लगते हैं देखिए, पूरी जांच पड़ताल कीजिए, इसके बाद में आप इन घरों को बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले मैं देख लेता हूँ पूरा ये घर कैसे हैं, आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, इसके बाद में फिर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों बार बार मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि आप किसी के बहकावे, धोखे, झांसे या लालच में मत आइए, इससे आपका नुकसान हो सकता है। पूरी जानकारी के बाद में ही कहीं पे घर खरीदिए। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं और इसके बाद में फिर और जानकारी लेते हैं और बातें करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग घर के अंदर और ये देखिए ऊपर फॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, नीचे फ्लोर टाइल्स भी देखिए बहुत ही खूबसूरत। घर में, पूरे घर में 3 फीट टाइल्स लगाई गई है, ये देखिए दीवारों पर काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर से देखिए काफ़ी प्यारी और अच्छा डिज़ाइन लगाया गया है फॉल सीलिंग में। दोस्तों फैन लगा के हम लोगों ने साथ में दिया हुआ है, इसके अंदर लाइटें आपको दिख रही होंगी, बहुत ही खूबसूरत 4 चांद लगा रही हैं घर के अंदर। दोस्तों यहाँ 300 स्क्वायर फीट का बना हुआ 1 BHK घर है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा लिविंग रूम हॉल कह सकते हैं। विंडो देखिए काफ़ी बड़ा विंडो लगाया गया है। ऊपर देखिए फिनिशिंग पे दोस्तों बहुत अच्छा काम किया गया है, अच्छा वर्क किया गया है। दोस्तों ऐसे घर चौल में आपको देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है इस घर के अंदर, जैसे कि आपने देखा। ऊपर देखिए 500 लीटर की पानी की टंकी हम लोगों ने लगा के दिया है। ऊपर देख सकते हैं आप लोग, कोट माला डाला हुआ है टॉयलेट बाथरूम किचन के ऊपर। और ये चल रहे हैं हम लोग इसके अंदर बेडरूम देखने, और बेडरूम भी देखेंगे काफ़ी खूबसूरत दरवाज़ा बेडरूम पर लगाया गया है। ये देखिए बेडरूम में भी 3 फीट टाइल्स है। ऊपर देखिए काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग है, लाइटें वगैरह कंसील वायरिंग की गई है। दोस्तों विंडो देखिए काफ़ी बढ़िया, वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग की गई है दोस्तों, इसके अंदर कंसील वायरिंग का काम इसमें भी किया गया है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया घर रहते हैं। अगर आप लोग का बजट कम है और अच्छे घर लेना चाहते हैं, किस्तों पर लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, आइए साइट विजिट कीजिए। अगर घर पसंद आते हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं। समय समय पर दोस्तों ऑफर वगैरह भी चलते रहते हैं, तो जब आप कॉल करेंगे तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये देखिए किचन, दोस्तों थोड़ा बहुत काम जो है इसमें किसी को ये घर दिए गए थे शिफ्टिंग में, तो उन्होंने ख़राब कर दिया है, तो जैसे यहाँ पे पत्थर एक टूटा हुआ है किचन का, तो ये सब लगाया जाएगा, इसका रिपेयरिंग किया जाएगा। तो जिन भाई साहब को ये घर दिया जाएगा तो पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। दरअसल ये घर बिक चुका है वैसे। ये देखिए टॉयलेट बाथरूम, ये देख सकते हैं आप लोग, टॉयलेट बाथरूम में फुल टाइल्स दी गई हैं। विंडो के लिए भी, वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी बड़ा विंडो लगाया गया है। ओपन प्लम्बिंग वायरिंग की गई है दोस्तों, इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग भी हो सकती है, उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है। इंडियन वेस्टर्न सीट जैसे आप बोलेंगे वैसे हम लोग लगा के देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो काफ़ी कम बजट में अच्छा घर, सस्ता घर आपको मिल सकता है नया गाँव ईस्ट में। अगर कम बजट है तो जल्दी से दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ऑफर्स का लाभ उठाइए और अपने सपनों का घर बुक कीजिए। तो दोस्तों अभी देखा आपने ये पूरा वीडियो, बहुत ही अच्छा व्लॉग है, काफ़ी अच्छे घर होते हैं, किफ़ायती प्राइस में होते हैं। दोस्तों ये घर रहेगा 8 लाख रुपए का, 300 स्क्वायर फीट का बना हुआ। इसमें आप हाफ पेमेंट देंगे तो घर आपको बना के मिलेगा, और हाफ पेमेंट के लिए आपको 3 साल का EMI ऑप्शन भी मिलेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और हाफ पेमेंट है, मतलब 4 लाख रुपए तक भी है, तो ये घर का चाबी आपको मिल सकता है। बाकी पेमेंट के लिए आपको 3 साल का समय दिया जाएगा, तो बचा हुआ पेमेंट आप 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर ये ब्लॉग पसंद आता है तो कॉल कीजिए दिए गए नंबर पर। कभी कभी क्या होता है मेरे फोन्स नहीं लगते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर रहते हैं, तो आप लोग सारे नंबर्स मेरे व्हाट्सएप पे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं देखूंगा मैसेज, मेरी टीम देखेगी, आपको रिप्लाई करेगी,
तो आपको फोन किया जाएगा, सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी, आपको विजिट कराया जाएगा, सारी चीज़ आप पहले चेक कीजिए, आइए देखिए, जांच पड़ताल कीजिए, सब कुछ आपको अच्छा लगे उसके बाद में ही आप पेमेंट दीजिए। तो बस दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आता रहूँगा, सस्ते घर आपको दिखाता रहूँगा, और मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा घर दिखाऊँ, सस्ता घर दिखाऊँ, ताकि आपके सर पे एक छत हो। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है काफ़ी गंदे कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोज़ के नीचे, तो दोस्तों पहले पूरी जांच पड़ताल कीजिए, मेरे बारे में अच्छे से जानकारी कीजिए, मैं कैसा हूँ क्या हूँ, इसके बाद में कोई गंदे कमेंट किया कीजिए, क्योंकि गंदे कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप मुझसे मिलेंगे नहीं, मुझसे देखेंगे नहीं, या मेरी साइट पे आएंगे नहीं, तो केवल गंदे कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो जिनका काम ही केवल होता है नेगेटिव चीज़ों को पे ध्यान देना है, नेगेटिव बातें करना, तो जीवन में उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। तो बस दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाता हूँ, लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं जल्दी किसी नए प्रॉपर्टी के साथ, किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।